हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑडिबल? हेलो हाय स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल? एक बारी हाय हाय लिख दो सारे के सारे। हाय एवरीबॉडी, कमेंट्स में आ नहीं दिख रहा भाई, मुझे कहाँ हो? हाय हाय हाय, कमेंट्स में लिखो तो सही भाई। हाय सौरभ कुमार, हाय अभिजीत सिन्हा, हाय पूर्वांशी, कैसे हो भाई सारे? रिवाइज कर करके कौन कौन आया? आर वाई लिख दो जरा, रोज का कोड है अपना। आर वाई, यो यो एस एस कटियाल, हाय विवेक पाटिल। फाइनली आरडी हो गई, मैं तो बोर हो गया एनसीआरटी करके। अरे नहीं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा आज, कल होंगे सवाल और बहुत सारे, डोंट वरी, पर वो भी करेंगे ठीक है। संकेत जाधव, हाय यार विवेक पाटिल, आर वाई आर वाई, आज आरडी होगा। अभिजीत, आरडी आज नहीं होगा यार। आरडी इन द सेंस, मतलब आरडी का मतलब क्या होता है? हाई लेवल क्वेश्चन जो कि थोड़े एनसीआरटी से परे हैं, तो एनसीआरटी से थोड़े परे वाले सवाल करेंगे कल की डेट में, ठीक है? सही गलत कूल। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सीख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सवाल तो पक्के से आता है पेपर में। बताओ भाई, आज भी कोई जेई वाला बच्चा आएगा वो बताएगा हमें। आर वाई लिख दो जिन्होंने रिवीजन किया है। रिवीजन यस, आर वाई, आज हम पहले से ही 13 पे हैं। हाय विवेक पाटिल, चलो सही, बहुत सही, बहुत लोगों ने रिवीजन किया है, लेट्स गो अहेड। तो आई एम आशुतोष सिंगल, अ स्टूडेंट एट आईआईटी दिल्ली। आई एम डूइंग माय बीटेक फ्रॉम द मैकेनिकल डिपार्टमेंट आउट हियर। आई एम एन एनटीएससी स्कॉलर एंड रैंक्स वाली जनता के लिए हियर ही रैंक्स। रोज आगे पूछते हैं कुछ कुछ प्यारे दोस्त मेरे। एंड बोर्ड्स की परसेंटेज थी ये कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स, आरएमओ टाइप्स, आरएमओ केवीपीवाई एनएसईपी, एंड ये कुछ प्राइवेट। अगर तुम ले रहे हो प्लस तो रेफरल कोड करना यूज AS01 ताकि तुम्हारी प्लस कोर्स की फरमाइश हो जाए पूरी। ये है अनअकैडमी का पोर्टल जहाँ पे हम लोग लगाते हैं अपनी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में क्या क्या करते हैं हम? स्पेशल क्लास में यहाँ पे लाइव क्लास होती है और बहुत एजुकेटर्स पढ़ाते हैं एंड बहुत सारे कोर्सेज भी आ रहे होते हैं। पर मेरे कोर्स के लिए तुम्हें ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड जो कोर्सेज होंगे वो बिल्कुल फ्री। फ्री इन द सेंस, एक तो जो YouTube पे कोर्स चल रहा है करंट वाला, एंड एक होती है स्पेशल क्लासेस के थ्रू। वो कैसे होता है, उसका पैटर्न है ये। उससे पहले ये जान लो सब्सक्रिप्शन की फीस, अगर लेते हो 2 ईयर्स का तो 19,000 अनअकैडमी को देना और तुम्हें वापस 100 रुपये का शगुन मिल जाएगा। हमारी एक फेवरेट फ्रेंड है अंजलि, वो आज नहीं आई अभी, वरना उसको रोज़ बोलते हैं हम 100 रुपये का शगुन देने भाई। एंड उसके लिए रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा AS01, ठीक है? आज का चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आई एम योर अनअकैडमी एजुकेटर फॉर फाउंडेशन एंड NTSC। एंड पर्दा हटते हुए आज के टॉपिक की बात करेंगे। आज का टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लास 10th के लिए हो रही है, चैप्टर नंबर 3 जैसे मैंने बताया, एंड ये क्लास है 1A की। 1A का मतलब हमारी क्लास 4 तरह से होती है पर चैप्टर। एक होते हैं 1A, मतलब कि जो होते हैं फंडामेंटल बेसिक्स, जो कि तुम्हें NCERT के लिए तो चाहिए ही चाहिए ताकि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे आए। ऑल्सो ये तुम्हारे NTSC के लिए बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं, जैसे घर की फाउंडेशन होती है वैसे ही NCERT NTSC के लिए फाउंडेशन बनाती है। जब ये 1A हो जाती है तो मैं उस चैप्टर के लिए जाता हूँ अनअकैडमी के लिए स्पेशल क्लासेस पे,
इसको हम लोग बोलते हैं अपने आप में यूएससी, जहां पे हम पढ़ते हैं थोड़े हायर लेवल कॉन्सेप्ट। उसके बाद जब ये दोनों हो जाते हैं तो फिर बच्चा लोग हम करते हैं मेंटी। मेंटी में क्या करेंगे, बेसिक्स और एनटीएससी लेवल की क्विज करते हैं यूट्यूब पे, जिसमें तुम लोग सारे एक दूसरे से कॉम्पीट करते हो एंड लीडर बोर्ड पे आते हो। पिछली बारी 7K मार्क्स लाकर या 7K पॉइंट्स लाकर उद्देश्य यादव फर्स्ट आया था, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन था पॉलिनोमियल्स के केस में। और जब ये हो जाता है तो हम थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं स्पेशल क्लास पे वापस, उसको बोलते हैं 2B। इस पे करते हैं हम बेसिक्स और एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी तक ये किसी लेक्चर के लिए नहीं हुआ है, दो चैप्टर्स हो चुके हैं, ये अभी जल्दी शेड्यूल करेंगे, पॉसिबली कल। कल पहली होगी 2B की क्लास फॉर पॉलिनोमियल्स एंड रियल नंबर्स। कूल अभिजीत, मैंने NSO IMO दिया था यार। सक्षम, वो डिलीट हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यार बोर्ड से हुआ होगा, बोर्ड से होने से कोई बात फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे NTSC वगैरह में हर जगह आएगा। NTSC हो, SOFO, IMO हो, पूर्वांशी इज प्रिपेयरिंग फॉर JEE। हाँ, लॉट ऑफ किड्स कम इन। KPY का भी प्रिपरेशन कराओगे क्या आज? हाय संदर्भ गुप्ता, हाय निर्भय यादव, बहुत दिनों बाद आए हो। KPY का प्रिपरेशन यार नहीं, अभी मैं फाउंडेशन NTSC पे फोकस कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग रहे। ऑल दो ये वाली चीज़ें वहाँ पे भी आती हैं, बट अगर तुम 10th क्वालिफाइड हो एंड तुमने बोर्ड का अच्छी तरह से पढ़ा था तो तुम्हारा वहाँ से हो जाएगा। हाय उत्कर्ष सिन्हा, निर्भया भाई चिल, हाय उत्कर्ष सिन्हा, हाउ यू, हाय सुरभि गोलिन। सुरभि गोलिन इज अ वेरी कंसिस्टेंट चाइल्ड, वो रोज़ आती है, बहुत बढ़िया है, तुम सीखो उससे कुछ। हाय श्रेयस सिंह, आई एम गुड यार, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस वाला चालू करते हैं आज, रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा बेसिक। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है AX + BY + C = 0, जहाँ पे A और B होते हैं रियल नंबर्स, सच दैट A एंड B आर नॉट बोथ 0। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, A² + B² = 0, मतलब ये ना ये 0 हो ना ये 0 हो, एक साथ कोई एक 0 हो जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, पर दूसरा नॉन जीरो होना चाहिए तब। ये थी बेसिक डेफिनेशन एक लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मतलब x और y की पावर होगी 1, 1, टू वेरिएबल्स मतलब x और y ही होंगे, मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे, u भी ले लो, x y ले लो, कुछ भी, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशंस, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब ऐसी दो इक्वेशंस लेंगे जैसे ये वाली है 1 और इसी की एक दूसरी टाइप की नेचर इक्वेशन जिसको बोलेंगे 2। इस 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे ग्राफिकल मेथड्स, सेकेंड क्लास में डिस्कस किए थे एल्जेब्रिक मेथड्स। कल की डेट में एल्जेब्रिक में हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, एक पढ़ा एलिमिनेशन। एल्जेब्रिक का फंडा क्या है, आत्मनिर्भर बनाना इक्वेशन को, ताकि वो क्या बन जाए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो तुमने पढ़ी थी क्लास 7th में, ठीक है। आपने अभी बोला बहुत दिनों बाद आए हो, अब हम जाएंगे ही नहीं, बढ़िया बढ़िया ऐसे ही करना भाई। हाय संदर्भ गुप्ता, हाय यार सर, रिड्यूसिबल मेथड्स भी कराओगे ना आज? फिर भी मैं ऊपर ऊपर से कराऊंगा रिड्यूसिबल आज, मतलब बिल्कुल हल्का सा, एंड कल उसको डिटेल में भरेंगे, ठीक है, मतलब एग्जांपल्स करेंगे कल उसके, आज इसकी थ्योरी करा के कर दूंगा। अंजलि आज लेट हो गई, प्रमोद दुबे, भैया आपने कहाँ से पढ़ा? यार मैंने आलन चंडीगढ़ से पढ़ा ये सब कुछ। हैड यू सॉल्व इरिडो फॉर फिजिक्स? नो जफर आलम, आई हैड नॉट यार, आई जस्ट डिड HCV एंड NCERT एंड ऑफ कोर्स माय कोचिंग मॉड्यूल्स। गुड इवनिंग यश, कौन सा है, पाटिल या त्यागी? त्यागी आए नहीं यार बहुत दिनों से, KPL गाइड कर दोगे क्या सर? हाँ गाइड कर दूंगा, सेशन के एंड में करूँ क्या? पूर्वांशी अभी पहले इन लोग को बता दूँ जो भी पढ़ रहे हैं फाउंडेशन NTSC का, कूल लिख दो अगर एंड में बता सकता हूँ तो पूर्वांशी, ठीक है। तो ग्राफिकल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, और कोफिशिएंट्स की टर्म्स में बात करूँ तो ये होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये पढ़ा था ग्राफिकल में, और एल्जेब्रिक में आया था ये। एल्जेब्रिक में इसका मतलब एक और था कि किसी एक एक्स और वाई के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्स और वाई के लिए ही LHS = RHS होता है, याद आया, जब होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलो केस नंबर छोटा 1। फिर होता है केस नंबर छोटा 2, जहां पे हमने क्या पढ़ा था, कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या होता था,
A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. और इस केस में X और Y कुछ भी हो जाए, एनी X एंड Y दुनिया में से कहीं से भी उठा के ले आओ, LHS is equal to RHS हमेशा हो जाएगा, क्योंकि this has infinite solutions. कभी भी किसी को सोते हुए उठा दो, जागता हुआ सुला दो, कभी भी कुछ भी हो जाए, पर infinite solutions के केस में अगर एक solution एक equation का है तो वो दूसरी equation का भी होगा. सही. लास्ट केस आता है नो सॉल्यूशन वाला. नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस में क्या होता था, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. करेक्ट. इसमें क्या होंगे, नो सॉल्यूशन मतलब किसी भी एक्स और वाई पे LHS RHS के बराबर होगा ही नहीं. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. थोड़ा खिचड़ी हो गई और तुम्हें पहले से आता है तो चिल है, समझ गए. इस सब के लिए एल्जेब्रिक जुगाड़ क्या है, टेस्ट्स होते हैं. टेस्ट्स क्या हैं, पहले A1 by A2 और B1 by B2 का करो. अगर इन दोनों की वैल्यू आती है सेम, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रू, तो आते हैं आगे दो केस, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, एक नो सॉल्यूशन का, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस या पैरेलल लाइंस. ये कब होगा, व्हेन A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू C1 by C2, वेर एज देर इज नो सॉल्यूशन इफ A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 by C2. और अगर पहले स्टेप पे ये फेल हो गया, मतलब A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, ये हो गया फॉल्स. ये बंदा बहुत यूनिक है. यूनिक का मतलब ये है इंटरसेक्टिंग लाइन और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा. कूल. जिसको यहां तक समझ आ गया एक बारी बता दो. आप किस कोचिंग में थे, श्रेयस में, आयलन चंडीगढ़ में था यार. सक्षम सिंह, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनके ट्राइंगल का एरिया जीरो होगा ना. बिल्कुल सही बोला सक्षम सिंह. चलो संदर्भ को अब तक का रिवाइज हो गया सारा का सारा. और जनता एक बार बस बोल दो सारे के सारे कि सबको समझ आया नहीं आया. सबको समझ आ गया तो मेरे को परफेक्ट है. कल ही समझ आ गया था, बढ़िया है. बस मेरे को रिवीजन चाहिए सबकी, ताकि दिमाग में सब कुछ बैठ जाए. सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का फंडा सिंपल था. सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, किसी की जगह दूसरी इक्वेशन से एक्स को निकाल के पहली इक्वेशन में डाल देते थे, वो बन गई इक्वेशन आत्मनिर्भर. वहां से आएगी वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू को डाला पहली इक्वेशन में वापस, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू. एक्स और वाई की वैल्यू जब एक सिस्टम के लिए आ गई तो वो हो जाएगा सिस्टम का सॉल्यूशन. तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. एलिमिनेशन में क्या करते थे, तुम एक षड्यंत्र रचते थे. षड्यंत्र रच के क्या करते थे, एक वेरिएबल को चुपचाप खिसका देते थे बाहर. कैसे, उसके कॉफिशेंट्स को दोनों इक्वेशन में न्यूमेरिकली बराबर करके. मतलब अगर एक इक्वेशन में वाई की वैल्यू है 12, वाई का कॉफिशेंट है 12, तो दूसरी इक्वेशन में भी उसको कॉफिशेंट 12 बना दोगे, कुछ भी करके पूरी इक्वेशन को एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे. और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे यूज ही होता है, क्या कि अगर एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं एक्स और वाई, तो उसको पूरी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी उसकी सॉल्यूशन सेम ही रहेंगे. ठीक है, समझे. मेरा नाम लो. हाय प्रिंस. अरे भाई साहब, भाई इवन यू नो ये सबने ये पढ़ लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए फॉर केवीपी वाई एनटीएससी. श्रेयस देखो, केवीपी वाई तुम लोग 10th में नहीं दे रहे हो, एनटीएससी दे रहे हो. एनटीएससी के लिए ये कौन सी क्लास है, ये 1A क्लास है. 1A में हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक्स करते हैं. मेरे को बेसिक्स तुम्हारे अच्छी तरह से स्ट्रांग चाहिए, ताकि जब मैं एनटीएससी की क्लास लूंगा स्पेशल क्लास पे, जो कि भी फ्री है, वहां पे तुम्हें एक टू से स्टेप में भी डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये कैसे किया. फिर मैं बोलूंगा ये यूट्यूब पे पढ़ाया था, ये बहुत बेसिक था. ठीक है, तो पहले सबको बेसिक्स बता देंगे अच्छी तरह से, यहीं पे थोड़ा सा मास्टर बना देंगे, एंड स्पेशल क्लास पे जाके बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चंस फोड़ देंगे. ठीक है, प्रिंसराज तुम्हारा नाम हो गया. तथागत कुमार सिंह, आरएमओ पीआरएमओ के लिए गाइड कर दीजिए यार, वो पढ़ा रहे हैं पीजे सर, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता दो एक्सप्लिसिटली. ठीक है, सैंतन चक्रवर्ती, कैन यू प्लीज टेल दी केसेस ऑफ पैरेलल लाइन. हाँ यार मैं बता देता हूँ.
हाँ एग्जैक्ट इज नॉट इक्वल टू, अरे सक्षम सिंह क्या बोल दिया, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तीसरे वाला जो है, ये जो दूसरा इक्वल टू है, इसकी जगह नॉट इक्वल टू डालो कॉमेंट्स में, तो फिर पैरल लाइन आएंगी। वरना अगर तीनों बराबर हो गए तो ये इनफाइनाइट लाइन वाला, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस हो जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ओवरलैपिंग लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। बेसिक्स तो मक्खन है सर, बिल्कुल सही है सक्षम, बढ़िया है, यही चाहिए अपने को। समृद्धि कोई बात नहीं यार, बट अब क्लास लगाओ ढंग से, ठीक है। तो भैया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी केस बता दो यार, वो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लास वन से पढ़ाइए भैया। श्रेया शांति 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 शांति, नो स्पैम नो स्पैम नो स्पैम, पढ़ लिया ना मैंने, पढ़ लिया मैंने। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला केस कुछ नहीं होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। उसमें क्या होता है, एम एक लाइन की स्लोप होती है, सी होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट, जब उसका मतलब सी होता है उसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, जब एक्स जीरो हो जाए, ये होता है इंटरसेप्ट, ये होती है स्लोप। ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ाते हैं वैसे इसको, ठीक है। और पैरेलल लाइंस का केस पूछ रहा था कोई, तो पैरेलल लाइंस में कुछ नहीं, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। एल एच एस आर एच एस बराबर नहीं होगा, किसी भी एक्स और वाई की वैल्यू ले आओ जब सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन में सॉल्व कर रहे होगे, या फिर ग्राफिकली वो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, दुनिया में कभी भी मीट नहीं करेंगे, बिल्कुल आमने सामने चलती रहेंगी एक दूसरे के, रेलवे की पटरी की तरह। वरना अगर वो मिल गई तो रेलवे की ट्रेन गिर जाएगी ना नीचे, इसी तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं, उनका सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा, वो कभी भी आपस में टकराएंगी नहीं, जब तक टकराएंगी नहीं नो एक्स एंड वाई की सोल्यूशन। और उसके लिए एल्जेब्रिक कंडीशन है, ए वन बाई ए टू इज नॉट इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये वाला टेस्ट। अगर ये दोनों इक्वल हो गए एंड ये वाले इक्वल नहीं हुए, इफ ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, दिस इज द केस फॉर पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन, ठीक है, गॉट इट। निर्भय यार वापस आके देख लियो, हो जाएगा, ठीक है। नॉट वाले साइन के लिए सक्षम, अगर नॉट वाला साइन नहीं मिला तो ऐसे क्या इक्वल लगा दोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज में नॉट इक्वल टू को कैसे लगाते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में नॉट इक्वल टू का मतलब होता है पर क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ठीक है। सर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस करा दोगे क्या? हाँ यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर लेंगे, वैसे वो ना वो कुछ नहीं होता, वो प्रैक्टिस से आता है। क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, क्यूबिक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स माइनस पी होता है। उसके बाद तुक्के लगाने होते हैं ऑब्जर्वेशन से। मेरे एग्जाम है मैथ्स का कल, 10 चैप्टर आएंगे, अभी 3 ही कराए हैं यार, मैं अभी 3 ही करा पाऊंगा, अभी करा दूंगा मैम, अक्टूबर एंड तक पूरा सिलेबस करा दूंगा। लीनियर इक्वेशन में भी यूज किया है फॉर्मूला, अरे यूज नहीं किया है फॉर्मूला, यूज नहीं हुआ। हाय इवान, इस संगेज मस्ट फॉर जेईआर, कर लोगे तो बढ़िया है, ठीक है। तो नाउ वी आर डन विद 20 मिनट्स फॉर आर रिविजन एंड आर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, नाउ लेट्स गो टू विच टूडे का टॉपिक विच इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यो लिख दो सारे के सारे, एवरी वन टाइप इन अ यो। हाय अमरनाथ परे सर, चेस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं यूज होता यार, सिर्फ ये लाइन, ये इक्वेशन होती है, एम होता है स्लोप, सी होता है इंटरसेप्ट जब एक्स की वैल्यू हो जाए जीरो। सिर्फ अमरनाथ ने यो लिखा यार, क्यों ऐसा? चेस समझ आ गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सुरभि यो, सक्षम यो, पूर्वांशी यो, निर्भय यो, संदर्भ यो, सही। चेस ये पढ़ो यार, ये बता रहा हूँ ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें सी होता है इंटरसेप्ट, जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो लाइन वाई पे कितना काट रही है, दैट इज सी, एंड एम इज इसका स्लोप, इसको टैन थीटा भी बोल देते हैं, थीटा इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस इन द विद द पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस, ठीक है। इससे ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता पाऊंगा, चलो अब पढ़ते हैं। अभी तक हम लीनियर इक्वेशंस को पेयर वालों को टू वेरिएबल्स में ग्राफिकल से कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर चुके हैं, एलिमिनेशन से कर चुके हैं।
एक और तरीका होता है जो कि थोड़ा जुगाड़ू होता है, ट्रिक लगाने की तरह, जब तुम्हें कुछ नहीं चमक रहा तो कैसे करना है। तो देखो, 5 ऑरेंजेस और 3 एप्पल्स की कॉस्ट है 35 या 35, 2 ऑरेंजेस और 4 एप्पल्स की कॉस्ट है 28। निकालो एक एप्पल और एक ऑरेंज की कॉस्ट, क्या करोगे? ऑरेंज को बोल दोगे एक्स, एप्पल को बोल दोगे वाई। इक्वेशन क्या बनेगी पैसों की? पहली इक्वेशन पैसों की, दूसरी इक्वेशन पैसों की। 5x + 3y = 35, बहुत बढ़िया। 2x + 4y = 28, और बढ़िया। इसका मतलब जनरल फॉर्म में ये जो लिखी है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा? 5x + 3y - 35 = 0, 2x + 4y - 28 = 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अभी लेटेस्ट मैंने मेथड कौन सा पढ़ाया था तुम्हें? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है? षड्यंत्र रच के एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। तो बताओ भाई किसके खिलाफ साजिश रचें? वाई को निकाल देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, इसको 4 से किया। देखो इन्होंने बोला 4 से, इसको 3 से, 4 4 4 3 3 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये भी 12y, ये भी 12y, इनको माइनस कर देंगे और y भाग जाएगा। तो देखो अभी भगाते नहीं है, अभी सिर्फ ऐसे ना लिख देते हैं ब्रैकेट ब्रैकेट में। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की डेरिवेशन हो रही है। तो तुमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, और इसको 5 से, इसको 3 से, इसको 2 से, ये कर दिया माइनस। दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे, ऐसे करोगे ना, एक्स के कोफिशेंट अलग से, वाई के कोफिशेंट अलग से, कॉन्स्टेंट वाले अलग से। 4 - -35 - 3 - -28, तो ये तो हो जाएगा 0। ये जब हो गया 0 तो एक्स क्या बचेगा? माइनस ऑफ, क्योंकि ये चला जाएगा कॉन्स्टेंट इस साइड पे, तो माइनस ऑफ ये पूरा ब्रैकेट अपॉन जो एक्स के साथ पड़ा हुआ था। और वाई क्या होगा? जो एक्स आया, चलो वो आगे बताता हूँ, पहले x देखो, x क्या होगा फिर? माइनस ऑफ ये पूरा ब्रैकेट, इसका मतलब दिस माइनस दिस की जगह दिस माइनस दिस, क्योंकि दिस माइनस दिस का माइनस हो गया, तो ये जो था ये पॉजिटिव बन जाएगा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। यही किया बस, ऊपर वाला ब्रैकेट उल्टा कर दिया। तो ये देखो क्या बना, अब जो तुम्हारा x था, x ऐसी सी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ताकि वो बन जाए b1c2 - b2c1 अपॉन a1b2 - a2b1। अरे ये तो बहुत खतरनाक हो गया, इसको जरा कंपेयर करके देखते हैं। b1c2 a1b2, रब कर दो जरा इसको, बहुत सारे को ये सारा तो सबको समझ आ ही गया। ये कर दिया हमने रब, ये देखो x की क्या फॉर्म बता रहे हैं लोग, b1c2 - b1c2 ऊपर और a1b2 नीचे, b1c2 a1b2। इस स्लाइड को भी मजे लेने हैं, बताओ b1c2 a1b2 माइनस क्या हो जाएगा? b2c1 a2b1, b2c1 a2b1, बहुत सही। मैं अभी सिर्फ कंपेयर करके बता रहा हूँ, एक्चुअली सिंपल सी गेम है। क्या है ये देखो, ये तो गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन को बना लो जनरल फॉर्म में, इसको बोलो a1x + b1y + c1 = 0, इसको बोलो a2x + b2y + c2 = 0। अब ये जो x है यहाँ पे क्या है? 3 - -28, 3 और -28 क्या है? b1 और c2, अरे वाह, 4 और -35, b2 और c1, उल्टा तरीका कर रहे हैं, अभी सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं, बाद में इसका झटपट फॉर्मूला बन जाएगा, एक शूलेस फॉर्मूला बनेगा। वो शूलेस फॉर्मूला तुम याद कर लोगे तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, ऑन द स्पॉट सॉल्व। अभी सिर्फ मैं ड्राइव करके बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है, किसी ने बैठ के ऑब्जर्व किया इसको कि यार ये जो एक्स है इसमें जो सोल्यूशन आ रहा है, इसमें ये सोल्यूशन, ये जो कोफिशियंट है इनका रोल क्या होता है? जो एक्स का कोफिशियंट है, जो वाई का कोफिशियंट है, जो कॉन्स्टेंट है, इन सबका रोल क्या क्या है, इसको इन्होंने ऐसे डराइव किया। नीचे ऐसे ही देख लो, 5 4 2 3 5 4 2 3, a1 b2 - a2 b1,
ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन बाई फोर माइनस थ्री टू, सही बैठ गया। अभी वैसे किसी अकलमंद ने अगर नोटिस किया हो, मैं ऐसे 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 कर रहा था, कुछ ऐसी सी फीलिंग नहीं आ रही, मतलब कुछ क्रिस क्रॉस सा जा रहा है, ऐसे जैसे जलेबी बनाते हैं, जलेबी जलेबी जलेबी, कुछ जलेबी वाली फीलिंग आ रही है, जिसको जलेबी वाली फीलिंग आ रही है वो जलेबी बताओ मेरे को, जलेबी लिखो चार्ट रूम चार्ट में लिखो जलेबी। मनीषा अमृत है, यस क्रैमर रूल पे ही आ रहे हैं हम लोग। भैया मैं ब्लैक बुक और एदास कंप्लीट कर लिया है, देन इनफ है फिर तो। मनीषा अमृत है, आई एम लेट यार, थोड़ा सा लेट पर कोई बात नहीं, रिविजन नहीं कराया था अभी तक। इवान डिसूजा बताए ना, मैं आई वॉज नॉट इग्नोरिंग, आई वॉज फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। यो यो हनी सिंह, इजी पीजी, टेलीग्राम ग्रुप है क्या? हाँ भाई, एन टी एस सी ए एस 01 चैनल है ये, एकदम क्लियर। क्या हुआ अनुज? जलेबी जलेबी सिर्फ फील ड्रिंक्स, अरे भाई अलग ही अंग्रेजी है निर्भय यादव। चलो ठीक है, सबको जलेबी की फील आ रही है, अब जलेबी की फील अगले पेज पर ढंग से दिलाते हैं। जैसे ही तुमने ये एक्स निकाला, इसी तरीके से ये एक्स कैसे निकला, वाई के लिए षड्यंत्र रचा तुमने, वाई के लिए षड्यंत्र रच के वाई को तुमने एलिमिनेट करवा दिया कोफिशिएंट्स में फेर बदल करके। कोफिशिएंट्स में फेर बदल क्या किया तुमने, अगर किसी को ऑब्जर्व हुआ हो तो यहां पे तुमने इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई किया बी टू से, ये y वाली से, और इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई किया बी वन से, ताकि तुम y के कोफिशियंट का प्रोडक्ट क्या बना दो, यहां पे भी बी वन बी टू, यहां पे भी बी वन बी टू, जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे फिर बी वन बी टू को क्या कर दोगे, माइनस या प्लस कुछ भी, ताकि y खत्म हो जाए। अब करोगे उल्टा, ये जो पहली इक्वेशन है यहाँ पे ए वन लिखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे ए टू से पूरी की पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे ए वन से, यहाँ पे ए वन ए टू हो जाएगा, यहाँ पे ए वन ए टू हो जाएगा, एंड बाकी का तो जो होता रहेगा देखी जाएगी। इससे तुमने एक्स के लिए रचा षड्यंत्र, जब एक्स के लिए रचा षड्यंत्र तो बेचारा एक्स हो जाएगा एलिमिनेट, एक्स एलिमिनेट हुआ तो क्या मिलेगा, वाई। तो किसी महान आदमी ने एक्स और वाई को ऐसे निकाल के देखा, फिर उसने ऑब्जर्व क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया कि x और y के लिए डिनोमिनेटर आ रहा है सेम, देखो a1 b2 बी टू माइनस ए टू बी वन, और न्यूमिनेटर में भी बन रही है जलेबी ऐसे ऐसे, तो उसने जलेबी का रिलेशन बना दिया क्रैमर्स रूल के नाम से, क्रैमर्स रूल, जिसका पढ़ते हैं हम अगले पेज पे। कुछ नहीं किया इसके बाद, x और y की वैल्यूज पुट की और फाइनली आंसर निकाला 4 और 5। इसको वेरीफाई कर लिया कि जब 5 और 3 थे तो 5 4 से 20, 3 5 से 15, 20 प्लस 15 35। ऐसे ही 2 ऑरेंजेस मतलब कि 2 4 जा 8 एंड 5 4 जा 20, तो 8 प्लस 20 28, समझे। पूर्वांशी टेलीग्राम, टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करना है ग्रुप से, ठीक है। यार अनुज डोंट स्पैम यार, मतलब पढ़ो ना ढंग से। रूपा मिश्रा योर्स्ट, हाय रूपा मिश्रा। सरिता एस बी 86, अच्छा हाय शुभ्रांशु, शुभ्रांशु राइट, कल भी आए थे तुम क्लास में, एम आई राइट शुभ्रांशु, यस। तो अभी तक तुमने क्या देखा, जो एक्स और वाई के लिए कहानियां थी उसमें डिनोमिनेटर है सेम, न्यूमिनेटर में भी कुछ कुछ पैटर्न बनता दिख रहा है, न्यूमिनेटर में पैटर्न है जलेबी पैटर्न जिसको हम बोलेंगे जलेबी पैटर्न, मैंने अपना टाइम में जलेबी बुनाई थी इसकी, मतलब मैं जलेबी बोलता था इसको। तो देखो कैसे मेथड वर्क करता है, यहाँ पे ये y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी टू से, और टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी वन से, वही y के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बी टू बी वन वाई, और ये क्या हो जाएगा बी वन बी टू वाई,
बाकियों में यहाँ पे बी टू बी टू बी टू आ जाएगा, यहाँ पे बी वन बी वन आ जाएगा। इसको जब किया माइनस तो ये तो हो जाएगा जीरो, और एक्स क्या बचेगा, बी वन सी टू बाय ये, मतलब इनका डिफरेंस अपॉन इनका डिफरेंस, कब, जब ये कॉफिशेंट जीरो ना हो, मतलब एक्स के साथ जो चीज आई ये जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो हो गई, आई एम सॉरी, ये जीरो हो गई तो क्या होगा, जीरो इंटू एक्स तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट को भी जीरो होना पड़ेगा। अगर ये कांस्टेंट आया जीरो, इफ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, तो होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर ये कांस्टेंट आए नॉन जीरो तो आएंगे नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? वैसे तो जिसने कल की क्लास ढंग से समझी है वो समझ जाएगा, और ये भी तब क्यों, व्हेन कोफिशियंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, ये वाली चीज। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोफिशियंट ऑफ एक्स हो जाएगा जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचेगा ये कांस्टेंट। अब अगर ये कांस्टेंट इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब इसकी वैल्यू बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू अगर ये हो गया जीरो, चलो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी दिखा देता हूँ तुम्हें, मजा आ जाएगा फिर। देखो अगर ये कॉन्स्टेंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बी टू सी वन इक्वल टू बी वन सी टू, मतलब बी टू को ले जाओ इधर, सी टू को ले जाओ इधर, तो बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू। चलो ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, और ये भी तब जब कोफिशियंट ऑफ एक्स इज जीरो। ये कब होता है, ए वन बी टू इक्वल टू ए टू बी वन, अगर ये जीरो है तो इसको तो इधर उधर लेके जा सकते हो ना, ए टू नीचे ये नीचे, ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू। अगर कॉन्स्टेंट भी जीरो है और ये भी जीरो है तो ये इक्वेशन भी सही होगी, ये इक्वेशन भी सही होगी। दोनों में बी वन बाय बी टू को इक्वेट करो जरा, यहां से बी वन बाय बी टू आया ए वन बाय ए टू के बराबर, और यहां से बी वन बाय बी टू आया सी वन बाय सी टू के बराबर। तब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखी देखी सी कंडीशन नहीं है, एग्जैक्टली जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी अलजेब्रिक कंडीशन, वो यहीं से आती है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी हो जाए जीरो और ये कांस्टेंट भी हो जाए जीरो, इसका मतलब ये इक्वेशन ऑलवेज ट्रू है। ये भी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो इररिस्पेक्टिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की कोई भी वैल्यू ले लूं और जीरो इक्वल टू जीरो ही आ रहा है, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ऐसा कब हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में। और दूसरा क्या बोला मैंने, अगर ये कांस्टेंट जीरो नहीं आया, इसका मतलब बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, बट यहां पे क्योंकि ये कोफिशिएंट जीरो मैंने पहले ही माना है तभी ये दोनों केस डिस्कस कर रहा हूं, तो यहां से मुझे ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू तो मिल ही रहा है, मतलब बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू। ये कंडीशन किस चीज की है, ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की, जो कि मैंने तुम्हें पहले यहां पे बोला कि भाई अगर कोफिशिएंट हो रहा है जीरो एंड कांस्टेंट इज स्टिल नॉट जीरो, मतलब दिस थिंग इज स्टिल नॉट जीरो, तो लेट्स से इसकी वैल्यू आ गई फोर, तो फोर इज इक्वल टू जीरो क्या कभी हो सकता है, इसका मतलब एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का तुम कुछ भी ले लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो रहा। अब अगर बराबर एल एच एस और आर एच एस नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज नेवर ट्रू किसी भी एक्स और वाई के लिए, दिस हैपेंस व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन। अब फील आई किसी को थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, जो मैंने कल कंडीशंस बताई थी वो तो ऑब्जर्वेशन से आई थी, आज हम उनको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हाय शिवांश, हाय यार, क्रैमर्स रूल, हाँ ये क्रैमर्स रूल ही है, यहां से डराइव हो रहा है, यहां से डराइव हो रहा है क्रैमर्स रूल यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रिंस? अच्छा क्या नहीं समझ आया, अच्छा ठीक है चलो तुम्हें थोड़ा और बेसिक तरीके से बताते हैं। यहां से तक सिर्फ डेरिवेशन थी, अब जो एक्चुअली सवाल निकालने की चीज है वो बताता हूँ। जब ये जो एक्स की वैल्यू आई ना, इसको कोई वन में पुट कर देना, जब वन में पुट करोगे एक्स की वैल्यू तो फाइनली वाई की वैल्यू ये आएगी, या फिर इसको उल्टे तरीके से कर सकते हो, एक्स के लिए षड्यंत्र रच के उसको एलिमिनेट कर दो, सेम तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब अब कॉन्क्लूजन है, ये बाहुबली टू द कॉन्क्लूजन। इतनी लंबी कहानी पड़ी, इस लंबी कहानी का कॉन्क्लूजन क्या है, तुम पूछोगे भैया कॉन्क्लूजन है, क्रैमर्स रूल की डिमांड अभी से आ गई, तो
तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर तुम्हें गिवन है टू इक्वेशंस, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 एंड दूसरी इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 equal to 0. कोई भी दो इक्वेशंस तुम्हें गिवन है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, उनका पेयर है जैसा कि इस चैप्टर का ही नाम है. तो उसके लिए तुमने उनको पहले तो इन वेरिएबल्स की शक्ल में बता देना है कि पहली इक्वेशन ये, तो उसका x का कोफिशियंट a1, y का कोफिशियंट b1 और जो कांस्टेंट है वो c1, अगली इक्वेशन के लिए a2, b2, c2. ठीक है. अब ये मिलने के बाद तुम्हें कोई बोलता है यार ये पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू दो, तुम बोलोगे रुको जरा सबर करो और ये x और y के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला चिपका दोगे, डायरेक्टली x और y के लिए फॉर्मूला चिपका दोगे. आया समझ? तुम्हें कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ग्राफिकल, ना ग्राफ बनाना ना कुछ करना है. एक ये फॉर्मूला याद कर लो, एक ये फॉर्मूला याद कर लो x और y के लिए, तुम्हारा ऑन द स्पॉट 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा. ये बेनिफिट होता है क्रैमर्स रूल का, और इसका बेनिफिट तब होता है जब ये जो कॉफिशेंट्स हैं ये बहुत खतरनाक खतरनाक से होते हैं, जहाँ पे तुम्हारे पास ज़्यादा दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता, या फिर उसका ना ग्राफ बन रहा है ना वो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहा है, मतलब बहुत टाइम ले रहा है वहाँ से सॉल्व होने में. ठीक है, अरे यार चिल मारो. अरे बस भाई रुद्रांश समझ आ गया, रुको जरा समझ सर, खिचड़ी लग रहा है भैया. अच्छा चिल चिल चिल, ये देखो सबको इतना समझ आ गया क्या? ये जो हरे पेन वाली चीज देखो सिर्फ, कि जब तुम्हें दो इक्वेशंस गिवन है, ये और ये, तो इनका सॉल्यूशन सीधा सीधा ज्यादा दिमाग लगाए बिना, एक आता है ये एक्स, एक आता है ये वाई. इतना समझ आ गया? बस मुझे इतना बोल दो यस, मेरा इतना यस में चल जाएगा. प्रिंस राज अगर खिचड़ी लग रहा है तो नहीं समझ आएगा, इतना बता दो प्रिंस राज को. क्या इतना समझ आया कि मैं उसको दो इक्वेशंस दूंगा, ये एक ये वन वाली और ये टू वाली, तो क्या वो मुझे एक्स और वाई में इनकी वैल्यूज पुट करके जो इन इक्वेशन से आई, क्या एक्स और वाई निकाल देगा? चिल 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 रुद्रांशु, कोई बात नहीं. शेष को समझ आ गया? प्रिंस राज बोलो भाई, अगर मैं तुम्हें दूंगा ये दोनों इक्वेशन, सिर्फ ये दोनों इक्वेशन दी मैंने और बोला कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू दो, तो क्या तुम ये कॉफिशेंट्स वहां पे आइडेंटिफाई करके इक्वल करके कॉफिशेंट्स, जैसे मान लो मैंने तुम्हें दिया 2x plus 3y plus 5 is equal to 0, तो क्या तुम a1 equal to 2, b1 equal to 3, c1 equal to 5 इतना लिख के, और ऐसा ही दूसरी इक्वेशन के लिए a2 b2 c2 लिख के इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में पुट करके मुझे x और y के आंसर दे दोगे? यस भैया. चल बढ़िया, चलो ठीक है. जिसको यहां तक समझ आ गया ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे सीधा सीधा बना बनाया फॉर्मूला पकड़ा दिया तुम लोग को. एंड जो मैंने पिछले पेज पे समझाया था वो यही था. तो देखो अब जब तुम्हारे पास ये वाई आ गया, तो इसमें क्या है, एक तो है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो क्या था, वही एक्स का कोफिशिएंट जो था, तो वो आता है ये वाली चीज. अब अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो उस केस में देर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, जैसा मैंने पिछले पेज पे बताया. उसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 जैसे मैंने पिछले पेज पे बताया, और वो कंडीशन मैच हो गई, वो कंडीशन प्रूव हो गई जो हमने अभी निकाली थी. अगर हो गया डिनोमिनेटर जीरो, मतलब ये वाली कंडीशन, तो हो जाएगी अजीब अजीब सी बात, हमें पता नहीं, क्योंकि डिविजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, तो x हो जाएगा समथिंग अपॉन जीरो, मतलब सी डैश अपॉन जीरो, एंड y हो जाएगा डी डैश अपॉन जीरो. ये तो अलाउड नहीं है, नॉट डिफाइंड है. इस केस में दिमाग थोड़ा और लगाना पड़ता है, वही वाली चीज, कि अगर हो गया डिनोमिनेटर जीरो, तो इस स्टेप पे जो तुमने डिवाइड किया ना, यहाँ पे इसको तो जीरो कर दिया, यहाँ पे तुम्हें डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वाली चीज हो गई जीरो, जीरो इंटू एक्स हो गई ये वाली चीज,
जैसे मैंने पिछले पेज पे बताया वही वाली चीज है, बस इसको डिफरेंट तरीके से लिख दिया। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं जब सी वन बाई सी टू भी इनके बराबर हो जाए, एंड अगर ये नहीं हो पाते तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। अब बस इसको याद कर लो, डेरिवेशन इनफ हो गई। जिसको डेरिवेशन समझ आनी थी वो आ गई, जिसको नहीं आई कोई बात नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ आंसर निकाल के दो, क्योंकि इफेक्टिवली पेपर में तुमसे कोई आंसर नहीं पूछेगा, कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, सीधा सीधा आंसर पूछेगा। और जिसको ओलंपियाड वगैरह करना था उसको मैंने डेरिवेशन समझा दी प्यार से, तो आई डोंट थिंक अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने का बेनिफिट है, मतलब अब सबको समझ आ गया। ठीक है, कूल। चलो अब आते हैं फॉर्मूला पे, जिसका तुम्हें इंतजार था, ये रहा तुम्हारा क्रैमर रूल। इसको शूलेस फॉर्मूला बोल लो, क्रैमर रूल बोल लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब दिस इज द इजीएस्ट वे टू क्रैक एनी क्वेश्चन, बिकॉज करना ही कुछ नहीं है। तुम्हें दो इक्वेशन मिली, तुमने उससे डायरेक्टली ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करते ही तुमने फॉर्मूला में चिपकाए और तुम्हारा काम हो गया। इससे इजी क्या कुछ हो सकता है? हाय विवेक। देखो अब फॉर्मूला क्या है, जो x की वैल्यू थी उसके लिए कुछ था अपॉन द सेम डिनोमिनेटर, और y की वैल्यू थी उसके लिए कुछ था अपॉन सेम डिनोमिनेटर। तो ये इक्वेशन इन्होंने बोला कि भैया आपकी सारी लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन इस छोटे से फॉर्मूला में छुपा है। जो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आएंगी उनका अगर वो पेयर में है तो उनका सोल्यूशन इस छोटे से फॉर्मूला में छुपा है। और तुम बोलोगे भैया a1 b1 b2 c1 c2 में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये फॉर्मूला कैसे याद करें, इसका भी जुगाड़ है, इसके लिए बनाया है ये फॉर्मूला। तो अब देखो हाथ को बनाओ, वो जलेबी वाला मैन जो होता है ना, वो हलवाई जो होता है वो कैसे बनाता है, हाथ को ऐसा बनाओ और हाथ ऐसा बना के एक्स के लिए देखो क्या है, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। तो बी वन पे जाओ, बी वन को बोलो हाय बी वन सी टू बी टू सी वन, पहले ऐसे गए फिर माइनस किया, ये देखो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, एक्स के नीचे वो लिख दो, वाई के नीचे सी वन ए टू ए टू सी वन, सी वन ए टू सी टू ए वन, पहले ऐसे वाला लिखा माइनस ये वाला कर दिया, और वन के नीचे ए वन बी टू ए टू बी वन, ए वन बी टू ए टू बी वन। वो गामा बनाते हैं ना फिजिक्स में, अल्फा बीटा गामा, इसको गामा की तरह जलेबी बनानी है हर बारी, ऐसे बनाना गामा, ऐसे 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 याद कर लो इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। जब ये बनाना सीखोगे ना तो अगले तुम्हारे पास 12th में आएगा या 11th में डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में भी इसका यूज होगा। तो ये गामा बनाना सीख लो, वहां पे भी यही करते हैं। क्या बनाना है, गामा गामा, स्टूडेंट्स हलवाई बना रहे हो सर। सक्षम अगर बोर्ड्स की बात करो तो बोर्ड्स में 90 प्लस आ जाएंगे, एनटीएससी की बात करो तो एनटीएससी में थोड़ा हार्ड रहेगा यार, एनटीएससी में तुम्हारे मतलब 20 में से 5-7 मार्क्स ही आ सकते हैं, इजी स्टेट है तो वहां पे थोड़े और आ जाएंगे। हाँ हाँ पूछ लो श्रेयस, यहाँ पे नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, पूछ लो कोई बात नहीं। नहीं नहीं सुरभि गोलन सेम ही होता है यार, मतलब नाम अलग अलग है बस। अब अकलमंद बच्चों एक चीज याद रखना, इसके लिए तुम्हें बनाना क्या है, ये जलेबी बनाई तुमने कैसे, सबसे पहले लिखा x, फिर लिखा y, फिर लिखा 1, यहाँ पे a1 a2 से नहीं b1 से स्टार्ट करना है, ये याद रखना b1 से स्टार्ट करना है, ये स्टार पॉइंट है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 वापस से वही। ठीक है, ये जलेबी पहली, जलेबी दूसरी, गामा तीसरा, तीनों में गामा गामा बन रहा है। अब ये जो गामाज आएंगे ना, पहला स्टार तो वन है, ये है स्टार वन, स्टार वन क्या है कि तुम स्टार्ट करोगे बी से, स्टार्ट विद बी। स्टार टू क्या है कि ये सारे के सारे डिनोमिनेटर में आएंगे, कहीं मल्टीप्लाई करके आ जाओ कि भैया ने तो बोला था जलेबी, तो एक्स इंटू जलेबी नहीं, एक्स के नीचे जलेबी, फिर वाई उसके नीचे जलेबी, फिर वन उसके नीचे जलेबी। ठीक है,
उत्तराखंड इजी स्टेट है, आई डोंट नो तुम्हारे स्टेट का पेपर कैसा आता है, ठीक है। अभिषेक सिन्हा कोई ट्रिक एनएसईपी के लिए? प्रैक्टिस यार प्रैक्टिस, ट्वेल्थ में बेस्ट निकलेगा, ट्वेल्थ में तुम जेईई प्रिपरेशन करते हो क्योंकि नीट की, ट्वेल्थ में पूरा एफर्ट देना, उससे पहले मेन स्ट्रीम ओलंपियाड्स पे फोकस करो, एनटीएससी जेईई टाइप्स पे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा फालतू में। आप सिंगल हो भाई, क्या करना है? अभिषेक और प्रिंस क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं तुम्हारे, डोंट स्पैम, ठीक है भाई, समझ आ गया। दो स्टार पॉइंट्स याद रखने हैं, एक्स और उसके नीचे चले भी कैसे, B1 B2 C1 C2 में ऐसे ऐसे वाला गामा गामा बनाना है, इतने गामा बना दिए इस पेज पे, एक बारी बस पेपर में गामा याद रख के चले जाना और B1 B2 से स्टार्ट करना और डिनोमिनेटर में रखना, तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होगा, पहले जो गिवन इक्वेशन आई है उसको करो आइडेंटिफाई, उससे A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लो। A होता है A1 होगा कोफिशियंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, A2 होगा कोफिशियंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, B1 होगा कोफिशियंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, B2 होगा कोफिशियंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, C1 होगा पहली इक्वेशन का कांस्टेंट, C2 होगा सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट। कूल, ये आइडेंटिफाई किया, अगले स्टेप पे ये डायग्राम बनाना है, मतलब अगले स्टेप पे बनानी है जलेबी, जलेबी बना के एक्स और वाई के लिए ये फॉर्मूला बना देना, एक्स और वाई के लिए फॉर्मूला बना के बस सब कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोवाइडेड ये जो वन के नीचे की जलेबी है ये जीरो ना हो भाई, बस वरना डिविजन बाय जीरो हो जाएगी विच इज नॉट डिफाइंड। अगर ये जीरो हो रहा है तो बस अपना वो केस लगाओ A1 बाय जो पीछे एलजेब्रा वाला पड़ा है, ये तीनों की तीनों कंडीशंस, उससे पता लग जाएगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो मतलब ये तो नहीं है, तो ये या ये है, इस कंडीशन से चेक कर लो। कूल, वैभव गुप्ता, यार मैंने ऑनलाइन कोचिंग नहीं की थी, मैं ऑफलाइन वाला था, हमारे टाइम में ऑनलाइन का इतना ट्रेंड नहीं था, तो आई स्टडीड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। हाउ इज मोदी मोहित त्यागी सर्स कॉम्पिटिशन बैच फॉर जे एस्पेंस, आई डोंट हैव एनी क्लू टू बी ऑनेस्ट, भैया बुक का क्वेश्चन है, हाँ पूछ लेना, कोई बात नहीं भैया, आप कॉलेज से भी क्लास लोगे? यार कोशिश करूंगा, अभी तो घर पे ही हूँ। ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, परफेक्ट, चलो भाई मस्त, पूछ लो भाई शेष, पूछ लो, कोई इशू नहीं है। चलो अब सवाल सॉल्व करने हैं, सबको जलेबी बनानी आ गई है, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर रिड्यूसेबल का ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन देके कल मिलेंगे वापस, रिड्यूसेबल के क्वेश्चन करके चैप्टर करेंगे वाइंड अप। चार लेक्चर्स में लीनियर इक्वेशन भी खत्म हो गया, चार लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल खत्म किया, चार लेक्चर में रियल नंबर, चार में ये लीनियर इक्वेशन, चार चार हजार में सारा का सारा बेसिक्स को खत्म कर देंगे, फिर जाएंगे एनटीएससी पे और उसके लिए होगी स्पेशल क्लास, इसको भी एनटीएससी भी करना है, स्पेशल क्लास पे आ जाना भाइयों, टेलीग्राम एनटीएससी AS01 पे मैं तुम्हें बताता ही हूँ कि क्लास का लिंक क्या होगा, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर 2 टिकट्स ली मल्लेश्वरम की और 3 ली यशवंतपुर की, टोटल ट्रिक टोटल कॉस्ट आया ये, बट 3 लो मल्लेश्वर की और 5 लो यशवंतपुर की, तो कॉस्ट आएगा 74। कैसे करना है, एक्स का मान लिया मल्लेश्वरम तक, वाई का मान लिया यशवंतपुर तक, तो पैसे की इक्वेशन पहले वाली, पैसा पैसा, एक्स का प्राइस इंटू 2, मल्लेश्वरम का प्राइस इंटू 2 प्लस यशवंतपुर का प्राइस इंटू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। अगले वाला पैसा पैसा, 3 टिकट्स इंटू मल्लेश्वरम का पैसा प्लस 5 टिकट्स इंटू यशवंतपुर का पैसा इज इक्वल टू टोटल खर्चा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। कूल, इंद्र अग्रवाल, हाँ गुड क्वेश्चन, क्या सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व कराओगे? नहीं यार, एनसीईआरटी सिर्फ नहीं सॉल्व कराऊंगा, सिर्फ यूट्यूब पे जो क्लासेज होंगी, YouTube पे जो हमारी 1A क्लास चल रही है उसमें हम बेसिक्स करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स, तो उसमें NCERT बोल सकते हो, और उसके बाद होगी 1B की क्लास जो कि अनअकैडमी स्पेशल क्लास, जो कि पोर्टल पे लगती है, फ्री होती है प्लेटफॉर्म पे, उसमें हम करते हैं NTSC लेवल की थ्योरी, NTSC थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसके बाद होती है 2A की क्लास, 2A की होती है मेंटी, उस मेंटी में तुम लोग आपस में कॉम्पीट करते हो, सवालों के जवाब देते हो टाइम कंडीशन में, एंड उसके बाद मैं सारी क्वेश्चंस करा देता हूँ डिस्कस कराते हुए, ऑफकोर्स तुम्हें सवाल करने का तरीका भी बताऊंगा, और ये भी नहीं, इसके बाद आएगी 2B की क्लास, स्पेशल क्लास अगेन वापस, और उसमें करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
बोर्ड के भी एनटीएससी के भी, जिससे तुम्हारा वो चैप्टर हो जाए बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग। ठीक है भैया, आपकी ब्रांच क्या है? मेरी ब्रांच प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल है एंड आई एम ट्राइंग की डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। 3.5 का 4 का 4 बता दीजिए। ओके, आवान में एक्सरसाइज देखेंगे तो मैं करा दूंगा। प्रतीक राजम बैक, यो प्रतीक, कल पक्का लोगे ना? सरी वैसे यार अंजलि, पूरा ट्राई करूंगा। ओके 3.5 के 4 का 4 ना? हाँ देख लेंगे देख लेंगे, 3.5 के 4 का 4, डोंट वरी देख लेंगे। कूल भैया, होमवर्क का एक मस्त जुगाड़ है मेरे पास, क्लास के बाद बताऊंगा। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। हर्ष गुप्ता कूल, श्रेय सिंह मैं क्वेश्चन क्लास के लास्ट में बता दूंगा, टाइम रखते हैं इसके लिए। ठीक है, ये भी बता दूंगा आज, नो वरीज। चलो अब देखो भाई, दो इक्वेशंस बन गई पैसे वाली। अब इनसे जरा A1, A2, B1, B2, C1, C2 आइडेंटिफाई कर लो। पेन का रंग बदलते हैं, पर्पल कर लेते हैं। A1, A2, x का कोफिशिएंट होता है A, y का B1, B2, ये C1, ये C2। अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्टेप वन जो था आइडेंटिफिकेशन, वो हम कर चुके हैं। स्टेप टू, जलेबी बनाओ मेथड। x के नीचे उसकी जलेबी, स्टार्ट करना है कहाँ से? पहले ये है स्टार वन, ये डिनोमिनेटर से करेंगे। दूसरा स्टार बी से स्टार्ट करेंगे। बीस क्या है देखो भाई, B1, B2, 3, 5, C1, C2, -46, -74, -76, -46, -74, वापस से A1, A2, 2 और 3, एंड B1, B2 बैक अगैन, 3 एंड 5। एक्स के नीचे उसकी जलेबी, जलेबी क्या होगी? 3 इंटू -74, माइनस 5 इंटू -46। वाह भाई, एक्स की जलेबी पूरी पूरी। डिनोमिनेटर में आएगी ये स्टार नंबर 0.2 था, फिर वाई के नीचे उसकी जलेबी, -46 इंटू 3, -74 इंटू 2। अरे वाह, ये भी हो गई। तीसरा, 1 के नीचे उसकी जलेबी, ये 1 ही होगा तीसरा का, ये हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके नीचे इसकी जलेबी, 2 इंटू 5 -3 इंटू 3, 2 इंटू 5 -3 इंटू 3, बहुत बढ़िया। अब बस ये नीचे की जलेबी इसको कर लो इवेल्यूएट। 74 3 सा क्या होता है? -222, और 46 5 सा 230, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, -46 इंटू 3 -138, 74 इंटू 2 148, विद अ प्लस साइन माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ पे 25 सा 10, -3 इंटू 3 9, ये हो गया ये। अब बस जरा लास्ट स्टेप भी कर दो, x बाय 8, 230 माइनस 2 ट्रिपल 2, y बाय 10, 148 माइनस 138 एंड 1/1, मस्त है भाई। अब कुछ नहीं करना, x बाय 8 भी है 1 के बराबर तो x इक्वल टू 8, y बाय 10 भी है 1 के बराबर तो y इक्वल टू 10। हेंस तुम लोगों ने कुछ दिमाग नहीं लगाया, ना आत्मनिर्भर बनाया, ना कुछ किया, बस ये जलेबी बनाई और जलेबी बना के तुम्हारा क्वेश्चन मीठा मीठा सॉल्व हो गया। ठीक है, 10 और 8 आ गया आंसर, इसको चेक भी कर सकते हो, पुट करके देख लेना, पुट करके देखो। दो टिकट यहाँ की, 8 टू 16 और 10 3 जा 30, 16 और 30 46, ऐसे ही यहाँ पे 8 3 जा 24, 5 10 जा 50, 74, सही है। कूल, इसको समझ आ गया? कूल 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 लिख दो एक बारी, जलेबी मेथड समझ गए सारे के सारे? हाय प्रतीक, सैलरी कितनी है यार? चल मारो। हाय राजदीप घोष, हाउ यू यार? अभिषेक सिन्हा, कितनी बार बताऊं, मेरी ब्रांच प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल है, P&I इंजीनियरिंग। कौन सी डिपार्टमेंट चाहिए आपको? मेरे को चाहिए CH1, कैम अच्छी है, पर ये भी अच्छी है, दोनों अच्छी है, देखते हैं। तुम चिल मारो यार, पूरा लो तुम लोग। हाँ निर्भय हो सकती है, अच्छी सीजी लानी होती है इसके लिए। तब आओ सब भैया, क्या मतलब प्रिंस राज क्या बोले? क्या सक्षम सिंह नॉट इक्वल टू क्या? वैभव इन सर्च ऑफ वर्तिका, भाई साहब क्यों कोटा फैक्ट्री चला रहे हो यहाँ पे? तब आओ सब भैया, कहना क्या चाहते हो प्रिंस? समझ नहीं यार,
गामा बनाया। कितना स्पैम कर रहे हो यार, मेन चीज बात करो। हाँ प्लीज टेल सैलरी इनडायरेक्टली। भाई चल मारो, तुम लोग पढ़ो तो सही। और सब बढ़िया? हाँ भाई बढ़िया बढ़िया भाई, पढ़ाई करो ठंडा ठंडा, कूल कूल। अरे भाई निर्भय यादव, चलो ठीक है, समझ आ गया। जलेबी बनाना, अब करते हैं ये काम। यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा, किस वैल्यू ऑफ पी के लिए? ए वन बाई ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू फॉर यूनिक सोल्यूशन। आइडेंटिफाई करा, ए वन ए टू, ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू। तो ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू में क्या बनेगा? फोर बाई टू इज नॉट इक्वल टू पी बाय टू, टू से टू कैंसिल, पी इज नॉट इक्वल टू फोर। पी की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी एक्सेप्ट फोर, एक यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। क्योंकि बस मुझे पी फोर नहीं चाहिए, फोर के अलावा दुनिया का कुछ भी ले आओ, उस केस में सॉल्यूशन यूनिक ही आएगा, समझे? तभी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, वेन एवर दिस कंडीशन इज ट्रू देर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस? सिंपल फंडा, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। ये कंडीशन सेट करा दो, जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है क्यों और कैसे आई पहले बता चुके। तो क्या बन जाएगा, के बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री बाय के, थ्री बाय के इज इक्वल टू माइनस के बाय थ्री बाय माइनस के। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस था ना, ठीक है। यहाँ से बनाओ एक इक्वेशन, यहाँ से बनाओ एक इक्वेशन, समझ आया? जब इसको उठाया तो क्या आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, के स्क्वायर इक्वल टू 36, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 6। कल भी बताया था जो रूट 16 होता है उसका वैल्यू होता है 4, और इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये फंडामेंटल रूल होता है कि जो स्क्वायर रूट होता है ये पॉजिटिव वैल्यू ही इनपुट और आउटपुट दोनों में लेता है, समझे? तो इन दोनों इक्वेशंस को मैच किया, इस इक्वेशन को मैच किया तो आया के इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब जरा इसको उठा लो, इसने क्या बोला, 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k, इसका मतलब ये आया, और 3k को भेज दो उधर, 6k इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब अगर जो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे या यहाँ पे देख लो, एक तो काट सकते हो k को k से, तब हो जाएगा k इक्वल टू 6। काटते कब है, कैंसिलेशन इज अलाउड When k इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बताओ मुझे, अगर एल एच एस और आर एच एस में k की वैल्यू जीरो भी हो जाए तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? सिक्स इंटू जीरो और जीरो का स्क्वायर, जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब k इक्वल टू जीरो भी एक सोल्यूशन है। अगर k जीरो नहीं होता है तब हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पे भी काटा यहाँ पे भी काटा, तो यहाँ से एक k चला जाएगा और यहाँ से ये जो k है यही चला जाएगा, तो बचेगा के इक्वल टू 6, दैट इज द अदर सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट के लिए इसका ट्रू होना भी जरूरी है, इसका ट्रू होना भी जरूरी है। इसने बोला के क्या होगा, के की वैल्यूज क्या आई, प्लस 6 माइनस 6, और इसने क्या बोली, 0 और 6, दोनों में कॉमन क्या है, प्लस 6। तो ये प्लस 6 वाला ही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि 0 वाली पहली इक्वेशन में बैठ नहीं रही और माइनस सिक्स वाला दूसरे क्वेश्चन में नहीं बैठ रहा। हेंस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए बोथ ऑफ देम विच इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये भी ट्रू हो, ये दोनों भी इक्वल हो, ये दोनों भी इक्वल हो। जैसे मैं तुम्हें बार बार टेस्ट में भी बताता जा रहा हूँ कि ये पहले टेस्ट करेंगे इन दोनों का, फिर इसके ट्रू होने पर इधर आएंगे, और ये भी ट्रू हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दोनों टेस्ट के ट्रू होने के लिए के की वैल्यू आएगी 6। तो के की वैल्यू 6 के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। ये वाली चीज तुम्हारे पास बोर्ड में भी आ जाएगी, ये वाली चीज तुम्हारे पास एनटीएससी में भी आ जाएगी, इस तरह के सवाल हर जगह आते हैं, बस इसका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट डिफरेंट पेपर पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे सवाल तुम्हें करने आने ही चाहिए। कूल, इसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओवर, एक्सरसाइज देख लेते हैं एंड फिर रिड्यूसेबल को थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दूंगा। भाई साहब क्या चल रहा है ये,
अरे अरे अरे, कितना स्पैम, कितना स्पैम। सक्षम सिंह, लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। 1 लाख, 1 लाख, अबे क्या कर रहे हो भाई, चल मारो। माई गोल इज नॉट टू बिकम एन अकेडमी एजुकेटर। हाँ भाई, घुस जाओ IIT में, अच्छा पढ़ाओ, बना देंगे तुम्हें भी। अबे नो लड़ाई यार, नो लड़ाई। प्रिंस फोकस ऑन स्टडी, एग्जैक्टली यार। तुम क्या करोगे वैभव वर्तिका का, तुम अपना करो ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छी है ना यार, सारी ब्रांचेस अच्छी होती है, ऐसा कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। फ्रीकी बॉय कोड है, अरे कल भी आया था यार ये, अच्छा आदमी है, व्यू बढ़ा के जाता है। सर एवरेज अन अकाडमी सैलरी इज 11K एंड 3.5K। अबे कहाँ से लाते हो स्टार्ट। साहिब सिंह, हाय साहिब, कैसे हो यार। अन अकाडमी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वाह भाई वाह, देश का फ्यूचर है ये लोग। हाय वंदना, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर IIT इन क्लास 9th। भाई 9th में करो NTSC, 9th 10th में, 11th 12th करो जाइए। इसके टाइम IIT फाउंडेशन की बुक्स पढ़ लो, इतना इनफ है तुम्हारे लिए 9th में। ओके क्या हो गया भाई, बस बस इस एक्सरसाइज 4 का 4 डिस्कस कर दीजिए प्लीज़। सारे कर दूंगा यार, चल मारो भैया, बताओ ना यार क्या जाता है। अबे कुछ नहीं जाता, तुम्हें करना क्या है, पढ़ाई करो अपनी। IIT क्लास ना हो, और आप भी प्रिंस कॉर्नर मैट। अरे नो लड़ाई भाई, नो लड़ाई, युवराज चिल। IIT नर्सरी, IIT इन क्लास 9। हाँ भाई IIT फाउंडेशन की बुक्स कर लो, पियर्सन वगैरह की आती हैं, दोज आर इनफ, पियर्सन दिशा एटसेट्रा की। अब मुझे यहाँ पे कोई भी ढंग का डाउट पूछता हुआ दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैं अब छोड़ देता हूँ इसको। पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, बहुत हो गया टाइम पास। देखो पहला क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, और इनफाइनाइट है कि नहीं, और कैसे करना है। इनकेस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हर जगह A1 A2 B1 B2, ये देखो एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। A1 1 है, B1 -3, C1 -3, A2 B2 C2। सबसे पहले A1 बाय A2 और B1 बाय B2 का टेस्ट करना होता है। जैसे मैं बोलता हूँ A1 बाय 2 क्या है, 1 बाय 3 और -3 बाय -9, ये हो गए बराबर 1 बाय 3 1 बाय 3, ठीक है। अब तीसरा C1 बाय C2 क्या है, -3 बाय -2, दिस इज नॉट इक्वल। ये 1/3 है और ये 3/2 है, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, ये 0.33 है, 1.5 है। कंडीशन ये वाली कौन सी होती है, दिस इज इक्वल टू बट दिस इज नॉट इक्वल टू, पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन। चमका ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे ही करना है सारा का सारा। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सेम तरीका जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वाड्रेटिक बनाई थी, यहाँ पे भी वही A1 by A2 equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दो सबके लिए, 2 by A - B और 3 by A + B और 7 by 3A + B - 2, सेटिस्फाई करा दोगे, आंसर आ जाएगा। अगले में हैव नो सोल्यूशन, यहाँ पे बस नॉट इक्वल टू घुसा दो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू घुसा दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जब घुसाओगे तो नो सोल्यूशन वाला केस आ जाएगा, कूल। तीसरा, सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सब्स्टिट्यूशन तुम्हें बता रखा है, यहाँ से वाई और या फिर एक्स कोई भी एक निकाल लो वाई के टर्म्स में, उसको घुसा दो पहली इक्वेशन में, ये बन जाएगी आत्मनिर्भर, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको कर देना सॉल्व, वापस पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं करना, आइडेंटिफाई कर लो A1 A2 A1 B1 C1, A2 B2 C2, एक्स के नीचे उसकी जलेबी, वाई के नीचे उसकी जलेबी, 1 के नीचे उसकी जलेबी, ऐसा करके उसका आंसर आ जाएगा। जलेबी कहाँ से स्टार्ट करनी है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, एक्स की भी यहाँ से जलेबी आएगी, वाई की यहाँ से जलेबी आएगी, 1 की यहाँ से जलेबी आएगी, ठीक है। तीन क्वेश्चन सॉल्व, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे जो सबका है डाउट, रिड्यूसेबल देखते हैं, आज कर पाए तो आज करेंगे वरना कल, ठीक है भाई। किसी को यहां तक टाइम लगे तो बताओ।
फिर टाइम लगता है प्रोसेस से बनाने में। हाँ यार टाइम तो लगेगा, बट फिर तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला बना के क्यों दिया, इसलिए तो बना के दिया है कि वो बनाओ जलेबी एंड उसके बाद जल्दी से आंसर निकाल दो। तो भाई पहला सवाल, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फूड हैज टेकन इन मेस। व्हेन स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज ही हैज टू पे 1000 रुपीज। फिक्स चार्जेस को बोलो एफ, चार्जेस पर डे को या कॉस्ट पर डे को बोलो सी। पहले बच्चे के लिए पैसे की इक्वेशन, पहले बच्चे के लिए पैसे की इक्वेशन क्या होगी भाई, लाल रंग से बनाते हैं जरो। पहले बच्चे ने 20 दिन रुका, एक तो लगा फिक्स चार्ज और 20 दिन रुकने के 20C 1000 रुपए लग गए। अगला बच्चा एक F और 26 दिन रुकने के 180 रुपए 26C 1180। एनी अलजेब्रिक मेथड, एनी अलजेब्रिक करना है तो क्या करना है, आप सीधा माइनस कर दो इसको, एलिमिनेशन सीधा सीधा दिख रहा है, 6C की वैल्यू आ जाएगी 180, सी हो गया 30 को पुट करो यहाँ पे, 30 × 20 600 होगा, एफ आ जाएगा 400। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इक्वेशन बन गई। अगला, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन ढूंढो, फ्रैक्शन को बोलो एफ इज इक्वल टू एन बाय डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 निकालो न्यूमरेटर से, एन माइनस 1 बाय डी इज इक्वल टू 1/3। दूसरी क्वेश्चन, एन बाय डी प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व कर दो बस, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, 3 को भेज देना ऊपर, इसको इधर भेज देना, इसको इधर, समझ गए। उससे एन और डी की वैल्यू आएगी, एन और डी की वैल्यू निकाल के एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसने मिस किया, मार्क्स कटेंगे कि तुमने एंड में एन और डी तो निकाल दिए पर फ्रैक्शन नहीं बताई, और उसने पूछा फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन जो पूछा है एंड में एन बाई डी कैलकुलेट करके भी ऐसे बताना है। ठीक है, मान लो एन आया 4 और डी आया 7, तो एंड में आंसर लिख के आओगे, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/7। ऐसे 4/7 लिखा होना चाहिए बड़ा बड़ा, 4/7। ठीक है, तो मिलेंगे पूरे पूरे मार्क्स। सही है, वैभव यार मेरे को स्पेशल क्लासेस पे वो इसलिए पढ़ाना है क्योंकि यूट्यूब पे सबको एनटीएसी नहीं करना, यूट्यूब पे सबको बेसिक मेथड भी सीखने हैं। भैया क्लास कब तक चलेगा, 15 पे रैप अप कर देते हैं, 15 पे। वंदना सिंह यार यू जस्ट नीड टेलीग्राम दैट वे, NTSC A01 ज्वाइन कर लो ना, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं सारे आपस में। थैंक्स भाई प्रिंस। वैभव गॉट योर आंसर, वैभव गॉट योर आंसर, येस और नो, टाइप इन अ येस। थर्ड क्वेश्चन, 40 मार्क्स आए, 3 सही के एंड लूजिंग 1 फॉर ईच रॉन्ग। अरे नेगेटिव मार्किंग भी है, अच्छा, और 3 करेक्ट होते, 4 मिलते करेक्ट के और यहाँ पे मिलते इनकरेक्ट के, ओके, तो उसके 50 मार्क्स आते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, देखो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस को बोलो सी, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस को बोलो आई। पहली इक्वेशन क्या बोलती है, पहली मार्क्स इक्वेशन नीले रंग से लिखते हैं इसको, जो फर्स्ट मार्क्स इक्वेशन है, फर्स्ट मार्क्स इक्वेशन बोलती है 3 for correct, 3 correct माइनस 1 × incorrect इज इक्वल टू कितने मार्क्स, 40। दूसरी क्वेश्चन 4 marks for correct 4 × C माइनस 2 × incorrect इज इक्वल टू 50। दो इक्वेशंस बन गई, अब 3C - I - 40 = 0, 4C - 2I - 50 = 0। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना जैसे तैसे, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आई के लिए षड्यंत्र रच के आई को भगा दो, माइनस कर देना दोनों को, या फिर इसके लिए इसको 4 से कर दो, इसको 3 से, तो सी भगा देना, कुछ भी कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। एंड में क्या पूछा, टोटल क्वेश्चन बताने हैं, तो आई प्लस सी बता देना, जितने इनकरेक्ट हुए जितने करेक्ट हुए, टोटल क्वेश्चन वो हैं, जिसने आई प्लस सी की वैल्यू नहीं निकाल के बताई उसके मार्क्स कट जाएंगे, सिंपल फंडा। सवाल ढंग से पढ़ना है और जो पूछा है वो बता के आना है।
अब आते हैं चौथा सवाल जो कि था मोस्ट डिमांडेड. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे. ये हाईवे बना लो भाई, ये रहा ए ये रहा बी, इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स. इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर. वॉट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स. अच्छा सवाल है ये पूछते हैं IMO टाइप के क्वेश्चंस में, IMO टाइप के ओलंपियाड में जो बेसिक बेसिक से होते हैं. एक्चुअली ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी में पूछते हैं इसको. ICSE वालों ने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे ग्रेड 6-7 में या 8 में. इनको करते कैसे हैं देखो, ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं एंड 5 घंटे में मिल रहे हैं सेम डायरेक्शन में चल के, मान लो दोनों जा रहे हैं इस तरफ, बी मान लो आगे चल रहा था, तो ए बी को कब मिल पाएगा, जब ए की स्पीड बी से ज्यादा होगी. ए तेज तेज दौड़ेगा, बी धीरे धीरे दौड़ेगा, तो ए बी को कभी जाके मिल लेगा, ताकि बी धीरे 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 बढ़ रहा था, ए पीछे से आया तेज तेज तेज, तो एक जगह जाके दोनों मिल लेंगे. समझे, जब दोनों मिल लेंगे तो ऐसा कब हो सकता है, जब ए की स्पीड ज्यादा हो और बी की स्पीड हो कम. तो तुम मान लो कि ए की स्पीड है एक्स, बी की स्पीड है वाई, ठीक है. Cool. अब यहां पे यूज होगा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का. रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलती है, व्हेन टू थिंग्स आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये भी इधर जा रहा है और ये भी जा रहा है इधर, तो इनकी जो स्पीड्स होती हैं वो रिलेटिवली एक दूसरे से सब्रैक्ट होंगी, और रिलेटिव डिस्टेंस भी ऑन द स्पॉट इन द सेम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक होगा. जैसे मैं बताता हूँ इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी मान लो है x माइनस वाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो जो फंडा होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस. सही या गलत, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को ऊपर भेज दिया. जो पहली इक्वेशन है वो क्या बोल रही है, स्पीड अगर है x माइनस वाई, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू 5 इस डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव विच इज 100 किलोमीटर. एंड सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो इफेक्टिवली दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना. तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 100 किलोमीटर. ये किलोमीटर को मत लिखना, मतलब इक्वेशन में यूनिट्स के साथ सेट हो जाएगा दोनों को बराबर बराबर. अब यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है लिखनी, तुम्हारी स्पीड की डिस्टेंस की यूनिट क्या है किलोमीटर, और टाइम की क्या है आर. तो तुम्हें बोलना है लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आर. जिसने यूनिट नहीं लिखी मार्क्स कटेंगे, जिसने बी के लिए भी ये नहीं लिखा कि इट इज वाई किलोमीटर पर आर, उसके भी मार्क्स कटेंगे. ऑल्सो तुम्हें बताना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, तो जब दोनों दूर जा रहे हैं मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी माइनस, जब दोनों आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो दोनों की स्पीड होगी प्लस. अगली एक्सरसाइज में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी आएगा, उसमें भी यही होगा कि जब तुम पानी के बहाव के साथ जा रहे हो मतलब डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो तुम्हारी और पानी की वेलोसिटी एड अप हो जाती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की प्लस होती है. और जब तुम जाते हो अपस्ट्रीम तो तुम पानी के बहाव के, पानी आ रहा होता नीचे और तुम जा रहे होते ऊपर, तो पानी के बहाव के तुम्हारी वेलोसिटी हो जाती है अगेंस्ट. अगेंस्ट का मतलब तुम उसको चैलेंज करके जा रहे हो कि पानी तो जाएगा नीचे पर मैं जाऊंगा ऊपर, इसका मतलब तुम्हारी वेलोसिटी होगी उससे माइनस. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का फंडा भी यही है और ऐसे ट्रैवल करने का भी फंडा यही है. ऐसे ही आता है ट्रेन वाला क्वेश्चन कि तुम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म ट्रेन ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, या फिर दो ट्रेन चल रही है एक प्लेटफॉर्म पे आना है उनको, तो दोनों अलग अलग तरीके से आएंगी, अलग अलग डायरेक्शन से आएंगी, व्हेन विल दे क्रॉस द प्लेटफॉर्म, या फिर दोनों सेम तरफ से आ रही है तो पहले कौन पहुंचेगा प्लेटफॉर्म पे, एक ही बात है. मेंटल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये, इसमें लीनियर इक्वेशंस का यूज आ जाता है. बस क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई और दो इक्वेशंस भी बन रही हैं. ठीक है, कूल.
भैया बेसिक तो हम सबको आता है यार, एनसीडी ही सब पढ़ी, सभी पढ़ते हैं। वैभव तुम सब पढ़ते हो ना यार, कुछ लोग वो हैं जो वो भी नहीं पढ़ पाते। यूएससी कल है क्या भैया? हाँ श्रेयस, कल यूएससी होगी यार। ठीक है भैया, मेरे मेरे में इतना स्पेस नहीं है कि सच में यूट्यूब पे ही करा दियो भैया, हम बेसिक ही सब क्या करते हैं, तो बेसिक चाट चुके हैं। अरे वैभव सही है यार, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, बट अपने को स्पेशल क्लास पे भी क्लासेस लेनी है। आईडी डेली का टी शर्ट दिखाओ ना प्लीज़ यार, अभी टी शर्ट नहीं है मेरे पास, हॉस्टल रह गया कॉलेज में, हॉस्टल में रह गया। वेबसाइट पे भी होता है यशस, हाँ यशस तुम इसी को बता रहे हो। हाँ ठीक है, फोन पे नहीं लैपटॉप पे यार, लैपटॉप पे कर लो भैया। इंडिया से टेलीग्राम ग्रुप पे देखो ना, अभिनव के नाम से उसका रिप्लाई दे प्लीज दे देना। ओके ठीक है देख लूंगा यार, इसमें सब क्या कर रहे हैं, बहुत कम भेजते हैं। लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा वैभव उसके लिए, ठीक है। हर्ष गुप्ता, वैभव भैया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है बता देता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी वापस अगली स्लाइड पे वापस बता दूंगा। सर अभी आप अंबाला में हो? हाँ हाँ यार मैं अंबाला में हूँ अभी। रिड्यूसिबल मेथड करा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन के बाद, या कल भी कर सकते हैं वैसे उसको। यार जितने हैं यूट्यूब पे रहते हैं उतने लाइव में रहते हैं, यहाँ पे भी 16-20 बच्चे हैं, वहाँ पे भी 16-20 बच्चे हैं। ठीक है सबको समझ आ गया फोर्थ क्वेश्चन तक? रिलेटिव वेलोसिटी दोबारा बता रहा हूँ अगले पेज पे, मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया x माइनस वाई और x प्लस वाई का, ये बता देता हूँ, इसके अलावा वाला हो जाएगा। ठीक है अगला क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय दिस एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय दिस एंड इफ इंक्रीज दिस एरिया इंक्रीजेस बाय दिस। देखो इसको करना है ऐसे, लेंथ को मान लो एल, ब्रेथ को मान लो बी, एरिया क्या होता है एल बी, एरिया होता है एल बी। तो उसके लिए फंडा क्या आएगा, सिंपल सिंपल पहली इक्वेशन बोल रही है कि एल बी माइनस 9 हो जाता है, एरिया 9 से कम हो जाता है अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। ठीक है भाई, अगला क्या बोलता है, इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2 तो एल बी प्लस 67 हो जाता है, एल प्लस 3 और बी प्लस 2 के केस में। क्या करना है इसमें, एल बी को एलिमिनेट कर दो, दोनों को कर दो माइनस पहले, दोनों वैसे तो इसको जब खोलोगे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इधर भी एल बी आएगा इधर भी एल बी आएगा, एल बी एल बी कैंसिल कर देना, एल और बी में वापस बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, इधर भी बन जाएगी एल और बी में वापस लीनियर इक्वेशन। कूल ठीक है, एल बी सॉल्व कर देना फंडा हो जाएगा। यार रिड्यूसिबल फॉर्म कल कर लेते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म में वैसे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सब्सटीट्यूशन करनी होती है ताकि इक्वेशन थोड़ी दिखने वाली मुश्किल सिंपल हो जाए। यहाँ पर 2x और 3y है तो बस 1x को कुछ और डाल दिया, पुट कर दिया इसको, बस 1x को पुट किया p, इसको पुट किया q, इससे ये सिंपल सौखी सी इक्वेशन बन गई सिंपल सी। अब सेम फंडे लगाने हैं वही जैसे पहले सीखे हैं, ग्राफिकल एल्जेब्रिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है समझे, जब तुमने p और q की वैल्यू निकाल ली तो उसको वापस से पुट कर देना 1x और 1y की फॉर्म में, हेंस तुम्हारे पास 1x और 1y का आंसर आ जाएगा। कल ये वाला एग्जांपल दोबारा बता दूंगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे लेक्चर, बट उससे पहले यार ये रिलेटिव वाला चलो फॉर्मूला देख लो सारे के सारे, रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा ये देखो, ये था ए ये था बी, अभी इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है ये मान लो टाइम टी पे इनकी पोजीशन है, ये है टी जीरो पे, टी जीरो पे और ये है टी वन पे। यहां पे पहुंचा तुम्हारा ए, यहां पे पहुंचा तुम्हारा बी। ठीक है कूल, अब टी वन टाइम तक टी जीरो को जीरो रख लो यार, थोड़ा ना इजी हो जाएगा सॉल्व करने को। ए की स्पीड थी एक्स, वाई की बी की स्पीड थी वाई, हमने पहले पढ़ लिया है ऊपर देख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है तो ए कितना ट्रैवल कर लेगा, एक्स टाइम्स टी वन, बी कितना ट्रैवल कर लेगा, वाई टाइम्स टी वन। ठीक है समझे, अब मानो कि मैंने यहां पे तुम्हारी ये रियल लाइन ड्रॉ कर दी,
ठीक है, यहाँ पे जीरो पड़ा, डिस्टेंस का भी ए वाला पॉइंट जीरो है, ठीक है। ये जो पॉइंट है टी वन वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स टी वन कॉमा जीरो। बी के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स क्या थे, हंड्रेड कॉमा जीरो। हंड्रेड में कितना ट्रैवल कर लिया, हंड्रेड प्लस टी वन वाई कॉमा जीरो, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एक ऐसा टाइम जब दोनों का डिस्टेंस कवर्ड बराबर हो जाए। मतलब मान लो किसी मोमेंट पे जाके ए और बी मिल रहे हैं, यहां पे किसी टाइम, यहां पे कहां पे पेन देखो, यहां पे इस पॉइंट पे दोनों मान लो आके फ्यूचर में मिल गए। इस पॉइंट पे ए बी आ गया और बी बी आ गया, ये टाइम हुआ टी टू, टी वन उनकी प्रोग्रेस का टाइम था। तो यहां तक ए कितना ट्रैवल कर चुका होगा, ए के टाइम का फंक्शन, ए के डिस्टेंस का फंक्शन क्या है, एक्स टाइम्स टाइम। तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स टाइम्स टी टू, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हंड्रेड प्लस वाई टी टू। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, सेम, एक्स टी टू इज इक्वल टू हंड्रेड प्लस वाई टी टू। इसका मतलब हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू टी टू, चला गया उधर। अब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हंड्रेड अपॉन टी टू, यहां पे क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे देखो जरा, सेम चीज आ रही है, बस ये क्या है, ये है रिलेटिव स्पीड, ये है रिलेटिव डिस्टेंस, ये है रिलेटिव टाइम। टाइम तो रिलेटिव नहीं होता, मतलब टोटल टाइम, समझे क्या, अब समझ आ गया। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड आएगी x माइनस वाई, समझे। क्या चल रहा है, आईडी फाउंडेशन टू मंथ कोर्स लॉन्च प्लीज, वही चल रहा है भाई टेंथ के लिए। भैया थ्री पे है ना यूएससी, हाँ थ्री पे होगी यूएससी, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं, कोई नहीं, कल करते हैं, अरे मुश्किल नहीं है, राइट। अरे यार मैथ्स लिखा तो हो यार, क्या लड़ रहे हो तुम लोग अनअकैडमी पे, मैथ्स क्या बातें कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली सही बोला, ये वैभव सही बोला, हर्ष गुप्ता समझ आ गया, अरे भाई वैभव गुप्ता शांति अनिकेत शांति, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, समझ आ गया। अब रिलेटिव स्पीड का फंडा, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो आएगा फंडा x माइनस वाई का। अगर मान लो होती ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ए होता उसका कोऑर्डिनेट तो होता एक्स टी वन, बी होता उसका कोऑर्डिनेट क्या होता, हंड्रेड माइनस, हंड्रेड प्लस की जगह हंड्रेड माइनस टी टू वाई टी टू। हंड्रेड माइनस क्यों, क्योंकि अब वो जा रहा होता पीछे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो ए आ रहा है आगे की तरफ, ये आ रहा है पीछे की तरफ, तो 100 से पीछे की तरफ आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी की स्पीड क्या है, बी का डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है, y into t2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस टी वाई टू। अब इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा जहां पे x और y मिले, जहां पे a और b मिलेंगे, तो एक्स टी टू प्लस वाई टी टू इज इक्वल टू 100, या फिर एक्स टी टू इज इक्वल टू 100 माइनस वाई टी टू। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड यहां पे दिख रही है सिंपल, रिलेटिव हो जाएगी x प्लस वाई, टाइम तो सेम है t2 और डिस्टेंस भी रिलेटिव सेम था 100। अब समझ आ गया, सेम के केस में वेलोसिटीज होती है माइनस, ऑपोजिट के केस में रिलेटिव में होती है वेलोसिटीज एड अप। कूल, रैप अप करें लेक्चर को, लेट्स क्रैक इट, बेस्ट ऑफ लक। रिलेटिव में
सेम डायरेक्शन है तो एड सॉरी सब्रैक्ट एक्स माइनस वाई, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एड मतलब एक्स प्लस वाई। कूल, सबको समझ आ गया। अब अगली क्लास में कोई भी पूछेगा मैं इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के थर्ड लेक्चर के एंड पे सबको भेज दूंगा कि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्यों होता है। अब आग लगाओ सारे के सारे, कल की क्लास में मिलते हैं। कल होगी यूट्यूब भी और स्पेशल क्लास भी, दोनों मिलेंगे। ठीक है, आई एम एजुकेटर आशुतोष सिंगल, लड़का हो या लड़की, सारे के सारे बुक से अच्छे तरह से पढ़ के कल की क्लास में ढंग से आना। ठीक है, एवरीवन कूल, चलें, सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन दबा देना। लाइक्स कम आते हैं भाई रोज, कहाँ तो 50-50 लाइक्स आ रहे होते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, और बाकी एनटी टेलीग्राम ग्रुप NTSC AS01, यहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स आ जाते हैं तुम्हें, एंड ऑफ कोर्स लेट्स क्रैक ओलंपियाड तो है ही है। ठीक है, रेफरल कोड याद करना भाई प्लस का AS01। शाउट आउट दो, बाय अंजलि, बाय। क्या चल रहा है ये, क्या कर रहे हो भाई? अच्छा ठीक है निकेत भाई, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ भाई। क्या भाई, आई एम फ्रॉम सिक्स क्लास। अरे वाह आयुष, सही है यार। अरे भाई ये क्वेश्चन बताने के लिए बोला था आपने लास्ट में, यार मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है कूल, शेष टेलीग्राम पे पूछ लो यार, लेट्स क्रैक इट। बाय बाय अंजलि, ठीक है, बाय बाय एवरीवन। श्रेयस टेलीग्राम पे पूछ लोगे, बता दूंगा मैं, कोई सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। AS01 परम सत्य, जय माता दी। श्रेयस ओके, श्रेयस 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 बोलो, बाय बाय गुरुजी, बाय। ठीक है चलो बाय, परफेक्ट, मिलते हैं। ठीक है, कल की अनअकैडमी स्पेशल क्लास और कल की यूट्यूब पे श्रेयस का डाउट ले लेंगे टेलीग्राम पे। इसी के साथ आज का लेक्चर वाइंड अप करते हुए सबको बाय बाय। ठीक है, बाय फेलोज़।